मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण झाड़ते हैं। कैसी बना सलार से प्रभास का कनेक्शन? क्या रॉकी भाई और बाहुबली के बीच अटकी हुई थी ये फिल्म? क्या है प्रशांत नील की फ्यूचर प्लानिंग? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉय राज स्टूडियोज, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स, वो भी मेरे यानी श्रुति के साथ। बॉक्स ऑफिस के बाहुबली प्रभास अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। बाहुबली के बाद से हिंदी सिनेमा में भी प्रभास एक जाने माने कलाकार बन चुके हैं। पैन इंडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अब रीजनल सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा बनने की पूरी तैयारी में है। बाहुबली के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म साहू ने पूरी इंडस्ट्री और हिंदी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सुपर डांस मूव्स, एक्शन सीन्स और प्रभास का एटीट्यूड सभी को काफी पसंद भी आया था। हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अवतार सामने आता है। हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस तरह से घुस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि प्रभास एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है जैसे कि ये प्रभास की ही पर्सनालिटी है। इसलिए डायरेक्टर्स को भी प्रभास के साथ काम करने में और नए नए कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में काफी मजा आता है। ऐसा ही एक बड़ा कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट किया है केचे डायरेक्टर प्रशांत नील ने। प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीन बिफोर लुक में दिखाया जाने वाला है। फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किए गए थे उसी के नीचे टैगलाइन थी, मोस्ट वायलेंट मैन वंस कॉल्ड अ मैन मोस्ट वायलेंट। इस लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा एग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है। प्रभास ने पहले भी फिल्मों में बोल्ड इंटेंस लुक अपनाया है, मगर इस बार पूरी फिल्म ही अग्रेशन और इंटेंसिटी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक पोस्टर में प्रभास ब्लैक सन ग्लासेस में यंग रेबल स्टार के लुक में वॉक करते हुए दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे में मूंछों के साथ प्रभास का मिडिल एज लुक दिखाया गया है, जहां वो हाथ में राइफल लिए इस अंदाज में बैठे हैं जैसे कि ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। प्रभास काफी शान दिखाए गए हैं, बावजूद इसके प्रभास के कैरेक्टर की इंटेंसिटी उनके एक्सप्रेशन पोस्टर के लुक में दिखाई दे रही है। जिस भी फिल्म में प्रभास होते हैं वो फिल्म ऐसे ही नजर आती है जैसे कि सिर्फ प्रभास के लिए ही बनी हो, लेकिन सलार फिल्म से प्रभास का रिश्ता ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है या फिल्म का ख्याल भी आता है, तभी से डायरेक्टर के मन में कोई ना कोई एक्टर फिक्स हो जाता है जो कि उनके हिसाब से उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट है, मगर बाद में किसी ना किसी रीजन की वजह से जब उस एक्टर के साथ बात नहीं बन पाती तो किसी और एक्टर को इस फिल्म में इमेजिन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ केजे डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ। सलार फिल्म को लेकर उनकी पहली पसंद उनके फेवरेट रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश थे, लेकिन यश को फिल्म की कहानी में कुछ दम नजर नहीं आया, इसलिए यश ने खुद इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम डायरेक्टर को सजेस्ट किया। बाद में खबरें आई कि प्रशांत नील यश के बाद अगर किसी एक्टर को साथ ये फिल्म बनाना पसंद करते हैं तो वो प्रभास ही थे। जब प्रभास को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। प्रभास को फिल्म की स्टोरी और खुद का कैरेक्टर काफी पसंद आया था। उन्होंने इस तरह का अग्रेसिव कैरेक्टर पहले कभी नहीं निभाया है और रियल लाइफ में भी प्रभास बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। काफी लंबा समय लगा दोनों में से एक को फिल्म के लिए चूज करने में, पहले लंबा टाइम यश के साथ और बाद में प्रभास के साथ। हालांकि खबरें आई थी कि प्रशांत नील का इरादा था कि दोनों स्टार्स को इस फिल्म में लाया जा सके, जिस वजह से दोनों के बीच ये फिल्म काफी लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन फिल्म के लिए यश को अपना लुक रॉकी भाई से बदलना पड़ता जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, वो भी जब तक केजीएफ का सेकंड पार्ट रिलीज नहीं हो जाता। तब तक रॉकी भाई को लोग ना भूले इस वजह से यश अपने लुक के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिल्म को फाइनली प्रभास के साथ शूट किया गया। अब काफी लंबी प्लानिंग है प्रशांत नील की, जब दोनों ही सुपरस्टार की पाइपलाइन सभी सुपर मेगा बजट फिल्म रिलीज हो जाएंगी उसके बाद ही दोनों को साथ मिलाकर एक और हाई बजट पैन इंडिया फिल्म बनाई जाएगी और ये नेक्स्ट फिल्म सलार का सीक्वल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सलार फिल्म रिलीज से पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और खबरें आ रही हैं कि फिल्म की एंडिंग इस तरह से की जा सकती है कि फिल्म का सीक्वल भी बन पाए जिसमें यश और प्रभास दोनों ही मेन लीड में नजर आए। तो दोस्तों, ये सुनने में तो काफी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लग रहा है ना? तो फिल्म से जुड़ी आगे की सभी अपडेट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉय ग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।